नहीं नहीं, मेरे ऊपर मत गिरना। कोई मुझे बचाओ, मेरा पंख देखो कितना खून निकल रहा है, कोई मुझे बचाओ। हमने तो तुमसे पहले मना किया था कि वहाँ मत जाओ भोजन खाने, वहाँ खतरा है, लेकिन तुम हमारी एक भी बात नहीं सुनती हो, अब रोती रहो ऐसे ही। मुझे आप लोग बाद में डांट लेना, पहले मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो, देखो मेरे कितना खून निकल रहा है, जल्दी चलो। जंगल में कई दिनों से तेज बारिश हो रही थी, इस बार तो कुछ ज्यादा ही तेज बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में सहमे हुए बैठे हुए थे। चिड़िया और उसका पति और उसकी छोटी बेटी भी अपने घोंसले में बैठी हुई थी। गुड़िया के पापा, अगर ऐसी ही बारिशें होती रही तो कैसे चलेगा? अब तो गुड़िया ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ, अब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। पापा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और तो और भूख के कारण मेरे पेट में दर्द भी हो रहा है। गुड़िया की मम्मा, अब मुझे जाना होगा, मुझे अपनी बेटी की खातिर घर से निकलना होगा। परंतु बाहर तो काफी तेज बारिश हो रही है, आप कैसे ऐसी बारिश में भोजन ढूंढ कर लाएंगे? मैं अपने परिवार को ऐसे भूखे मरते हुए भी तो नहीं देख सकता हूँ। हालात चाहे जैसे भी हो, मुझे अपने परिवार के लिए भोजन लाना ही होगा। मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। गुड़िया के पापा, हम आपका इंतजार करेंगे। फिर उसके बाद पापा चिड़िया ऐसी तेज बारिश में अपनी परवाह किए बगैर घर से निकलता है। वो बड़ी मुश्किल से तोते के घर पहुंचता है और उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन कौन है ऐसी तेज बारिश में मेरे दरवाजे पर? तोते भैया, मैं हूँ आकाश चिड़ा, रानू का पति, दरवाजा खोलो। ये सुनकर तोता दरवाजा खोलता है। तोते भैया, अब तो भूख की वजह से गुड़िया के पेट में दर्द हो रहा था, क्योंकि 2 दिन से हम उसे खाने को कुछ ना दे सके, इसलिए मैं आपके घर आया हूँ, अगर कुछ हो तो मुझे दे दो। यार आकाश, मेरे पास एक अमरूद था, लेकिन वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने खा लिया। अगर आप थोड़ा पहले आ जाते तो वो अमरूद मैं आपकी गुड़िया के लिए दे देता। फिर आकाश चिड़ा निराश होकर कबूतर की तरफ जाता है। कबूतर जी, आज शाम तक अपने अंडे से बच्चा बाहर आ जाएगा, अगर छोटे बच्चे को भोजन ना दिया तो कुछ भी हो सकता है। मुझे कुछ समझ भी तो नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, कोई पक्षी भी तो नजर नहीं आ रहा है। अगर किसी का साथ मिल जाता तो मैं जाकर भोजन ले आता। कबूतर जी, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। तभी वहां आकाश चिड़ा भी आ जाता है। कबूतर जी, मैं तोते के पास गया था कुछ खाने के लिए लेने, परंतु उसके पास तो कुछ ना था, क्या आपके पास है? मेरी बेटी बहुत भूखी है। भाई जी, हमारे अंडे से तो खुद बच्चा बाहर आने वाला है और घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं है, हम खुद बहुत परेशान हैं। अच्छा ही हुआ चिड़ा जी कि आप मेरी तरफ आ गए, आपको देखकर मुझे भी थोड़ा हौसला मिला है। चलो हम दोनों चलते हैं और खाने के लिए कहीं से कुछ ढूंढ लाते हैं। कबूतर, हम जाएंगे किस दिशा में? बाहर जाकर देखते हैं, किसी ऊंची जगह पर ही भोजन मिलेगा, बाकी पूरे जंगल में तो पानी पानी भरा हुआ है, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों भोजन की तलाश में घर से निकल जाते हैं। वो दोनों अभी थोड़ी ही दूर पहुंचते हैं कि वहां उन्हें कौवा और कौवी बैठे हुए दिखाई देते हैं। फिर वो दोनों उनके पास आ जाते हैं। कबूतर और चिड़े जी, क्या आप दोनों भोजन ढूंढने के लिए निकले हो? हाँ कौवी बहन, हम भोजन के लिए जा रहे थे और आपको देखकर यहाँ आ गए। ऐसी तेज बारिश में तो भोजन ढूंढना एक बड़ी चुनौती है, अब तो भोजन हमें पहाड़ों पर ही मिल सकता है, क्योंकि पहाड़ों तक अभी बारिश का पानी नहीं पहुंचा होगा। इसका मतलब आप दोनों भी भोजन ही ढूंढ रहे हैं। चलो अच्छा है कि हम सब एक साथ इकट्ठे हो गए, इससे मेरा फोर्स थोड़ा कम हो गया है। तो फिर चलो हम सब पहाड़ों पर ही चलते हैं।
ये कहकर बोसब भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। बोसब अभी उड़ते हैं कि बारिश और भी ज्यादा तेज हो जाती है। फिर बोसब एक जगह बैठ जाते हैं। कालू जी, ऐसे मौसम में मुझे आसमानी बिजली से बहुत डर लगता है। गोरी, कभी तो मुंह में से अच्छी बात निकाल लिया करो, क्यों हम सबको डरा रही हो? घर में बैठकर भूख से तो मरना ही था, अब अगर घर से बाहर निकले हैं तो भगवान हमारी जरूर मदद करेंगे। तभी कालू कौवे की नजर पास में ही थोड़ी दूरी पर पानी में पड़े गेहूं के दानों पर पड़ती है। वहां तो बहुत सारे गेहूं के दाने थे। भोजन, हमें भोजन मिल गया पक्षियों, वो देखो थोड़ी ही दूरी पर पानी में कितने सारे गेहूं के दाने पड़े हुए हैं। फिर वो सब गेहूं के दानों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि बरसात में उनके लिए गेहूं तो बहुत खुशी थी। पक्षियों, अब हमें यहाँ से अनाज लेकर जल्दी जल्दी वापस जाना चाहिए। नहीं कबूतर, हमें यहाँ बैठकर थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बारिश अभी बहुत तेज है। जैसे ही बारिश थोड़ी कम हो जाएगी हम अनाज लेकर यहाँ से चले जाएंगे। मुझे तो भूख कुछ ज्यादा ही सता रही है, आप सब बैठे, मैं अभी थोड़े से गेहूं के दाने खाकर आती हूँ। गोरी, हम सब इकट्ठे जाते हैं, तुम थोड़ा इंतजार कर लो बारिश के कम होने का। नहीं नहीं कालू जी, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। फिर गोरी को भी जल्दी से गेहूं के दानों के पास आ जाती है और वो वहां आकर गेहूं के दाने खाना शुरू कर देती है। गोरी तो बहुत भूखी थी, इसलिए वो तो जल्दी जल्दी गेहूं के दाने खा रही थी, लेकिन बारिश बहुत तेज थी और तेज बारिश की वजह से पहाड़ के ऊपर से एक पत्ता गिरता है और वो पत्थर सीधा गोरी के पंख पर लगता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, देखो मेरे कितना दर्द हो रहा है, कोई मुझे बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। गोरी कौवी का शोर सुनकर सब पक्षी वहां आ जाते हैं। गोरी, तुम्हारे पंख से तो खून निकल रहा है। कालू, अब अगर जल्दी से गोरी के जख्म पर पट्टी ना हुई तो खून ज्यादा निकल जाएगा। कालू भैया, आप गोरी के पास रहो, मैं और कबूतर जाकर बुलबुल को बुलाकर लाते हैं। कबूतर भैया जल्दी जाओ, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। गोरी, हम यूं गए और यूं वापस आए, आप हौसला रखो, आपको कुछ नहीं होगा। फिर वो दोनों बुलबुल की तरफ जाते हैं। बुलबुल भी अपने घर में बैठी हुई थी और वो भी भोजन को लेकर बहुत परेशान थी। तभी कबूतर और चिड़ा वहां आ जाते हैं। बुलबुल बहन, आप जल्दी चले हमारे साथ, गोरी के ऊपर पत्थर गिर गया है और गहरी चोट आई है उसके, काफी सारा खून भी निकल रहा है, आप जल्दी चलो। परंतु कहां, ऐसी बारिश में गोरी के कैसे चोट लग गई? हम सब पहाड़ों से भोजन लेने आए थे कि गोरी के वहां चोट लग गई। भोजन तो मेरे पास भी नहीं है, क्या आपको वहां भोजन मिला? बुलबुल बहन, वहां ढेर सारा अनाज है, आप भी ले लेना, परंतु हमारे साथ जल्दी चलो। फिर वो सब जल्दी से वहां से उड़कर गोरी के पास आते हैं। मैंने पट्टी कर दी है, अब खून भी रुक गया है, परंतु गोरी अब आपको उड़ना नहीं है, अगर आप उड़ोगी तो खून फिर से बहने लगेगा। दोस्तों, अब हम सब यहाँ से भोजन लेते हैं और गोरी को उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। फिर वो सभी पक्षी मिलकर गोरी को उठाते हैं और उसे उसके घर की तरफ लेकर आते हैं, परंतु बारिश तो रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। फिर वो सब किसी तरह गोरी को उसके घर ले आते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सब ने मेरी इतनी मदद की। जब मैं घर से निकला तो मैं बहुत अकेला था और मैं काफी डर भी रहा था, लेकिन जब बाद में आप सभी का साथ मिला तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिली और मैं अपने परिवार के लिए भोजन ला सका। जब तक हम सब इकट्ठे और साथ साथ हैं, हमें कोई डर नहीं। गोरी भी पहले से बहुत बेहतर थी। दोस्तों, अब आप दोनों भोजन लेकर जाओ, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे। फिर कबूतर और आकाशड़ा दोनों अपने घर की तरफ उड़ते हैं और वो दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए भोजन ढूंढने में कामयाब हो गए
और उन्होंने सब कुछ कर लिया। पापा आ गए मेरे लिए भोजन ले आए। मैं अपनी बेटी और अपनी पत्नी के लिए भोजन लेकर आ गया। गुड़िया के पापा आप ठीक है ना? फिर आकाश चिड़ा रास्ते में हुई सारी घटी घटना अपनी पत्नी को बताता है। हम पक्षियों की जिंदगी बहुत मुश्किल है, कभी सूखे का डर तो कभी तेज बारिश का। फिर रात भी होने को थी और बारिश का शोर तो जंगल के सन्नाटे में कुछ ज्यादा ही था। फिर चिड़िया का परिवार भी भोजन खा लेता है और वो सभी बारिश का मजा ले रहे थे। कड़ी चावल ले लो, कड़ी चावल 20 रुपए प्लेट, आओ आओ कड़ी चावल ले लो। अरे ओ रानू चिड़िया, ला चल मुझे एक प्लेट कड़ी चावल दे, आज मेरे दोस्त ने मुझे अंग्रेजी शराब दी है तो मैं उसके साथ बैठकर कड़ी चावल के साथ शराब पीऊंगा। ओए आकाश के बच्चे, ये कड़ी चावल मैंने बेचने के लिए रखे हैं, ना कि दूसरों को मुफ्त में बांटने के लिए। तू जा यहाँ से। और तुझे शर्म नहीं आती कि तू घर में बच्चों के सामने बैठकर शराब पिएगा? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जवान लड़ाएगी? अभी रुक, मैं अभी बताता हूँ तुझे। ये कहकर रानू चिड़िया का पति उसके ठेले को पलट देता है और सारा सामान फैला देता है। रानू चिड़िया का पति शराबी था, वो कोई भी काम नहीं करता था, बस दिन भर अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता रहता था। ये सब देखकर रानू को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो बेचारी चाहकर भी घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अपने दोनों बच्चों को किसी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन अपने बच्चों का पेट भरने के लिए रानू को कुछ तो करना ही था, इसके लिए उसने अपने घर के बाहर ही कड़ी चावल का ठेला लगाना शुरू कर दिया। कड़ी चावल ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट कड़ी चावल ले लो, आओ आओ सबसे सस्ते ताजी ताजी कड़ी चावल ले लो। तभी थोड़ी देर बाद आकाश चिड़ा रानू के ठेले पर आता है। ओए चल जल्दी से एक प्लेट कड़ी चावल दे, आज मेरे दोस्त ने मुझे अंग्रेजी शराब दी है, वो भी आने वाला है, दोनों साथ बैठकर पिएंगे। ओए आकाश के बच्चे, ये कड़ी चावल मैंने बेचने के लिए रखे हैं, ना कि दूसरों को मुफ्त में बांटने के लिए। तू जा यहाँ से। और तुझे शर्म नहीं आती कि तू घर में बच्चों के सामने बैठकर शराब पिएगा? अच्छा तू मुझसे जुबान चलाती है, रुक अभी बिकवाता हूँ मैं तेरे कड़ी चावल। ये कहकर रानू का पति उसके ठेले को पलट देता है और उसके सारे कड़ी चावल जमीन पर फैल जाते हैं, जिस वजह से अब वो बेचने लायक नहीं रहे थे। ले अब बेच कड़ी चावल, और हाँ मेरी बात कान खोल कर सुन ले, तू और अपनी उस मनुष्य बेटी को लेकर चली जाना इस घर से। मैंने तुझसे दो बेटे मांगे थे, वो तो तू दे नहीं सकी, उस मनुष्य बेटी को मर दिया मेरे सर पर। जरा ये बताओ कि तुमने कौन सी जिम्मेदारी पूरी की है? तुम सारा दिन करती क्या हो शराब पीने के? मेरी दोनों बच्चे भूखे प्यासे मेरी मदद करते हैं और तुम्हें तो हमारी मेहनत की भी कदर नहीं। तुम भी अच्छे से सुन लो मेरी बात, तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन मैं और मेरे दोनों बच्चे इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इस घर को हम अपनी मेहनत से चलाते हैं, तुम नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जवान लड़ाएगी? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर आकाश चिड़ा रानू चिड़िया को पकड़कर घर ले आता है और फिर उसे बुरी तरह डंडे से पीटने लगता है। दोनों बच्चे ये सब देखकर सहम गए। तभी उसकी बेटी गुड़िया ने किसी तरह अपने पिता को रोकने की कोशिश की। नहीं पापा, आप मत मारो मम्मा को, छोड़ दो मम्मा को, प्लीज पापा छोड़ दो मम्मा को, मत मारो उन्हें। लेकिन आकाश चिड़ा गुड़िया को भी डंडे से पीटने लगता है, जिस वजह से उसके सर पर गहरी चोट आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त भी बाहर आ गया था और वो उसका इंतजार कर रहा था। तभी आकाश चिड़ा अपने दोस्त के साथ शराब की बोतल लेकर बाहर जाने लगा। अरे आ गया दोस्त, तू चल बाहर ही पीते हैं, इन मनुष्यों ने तो सारा मूड खराब कर दिया। अरे कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ चलो, गुड़िया के बहुत चोट लगी है, इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। रानू की बात को अनसुना कर आकाश चिड़ा वहाँ से चला जाता है और गुड़िया जमीन पर पड़ी हुई थी। रानू के भी बहुत सी चोटें आई थी, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके उठी और अपनी बेटी को किसी तरह अस्पताल लेकर आई।
जहां डॉक्टर बुलबुल ने उसका इलाज किया और कुछ देर में गुड़िया को होश भी आ गया। रानू अब ये ठीक है और ये लो, ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, बाहर मेडिकल से खरीद लेना। और हाँ, एक हफ्ते तक इसे पट्टियाँ बदलवाने के लिए लाना होगा। फिर रानू वो दवाई की पर्ची ले लेती है और दवाई की पर्ची को देखते हुए रानू की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर डॉक्टर बुलबुल ने उससे कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, कोई परेशानी है क्या? मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे छोटे छोटे दो बच्चे भी हैं। मेरा पति सारा दिन शराब पीकर पड़ा रहता है और मेरी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार भी वही है। समझ नहीं आ रहा कि अब मैं अपनी बेटी के लिए दवाइयाँ कैसे खरीदूंगी, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। ये कहकर रानू जोर जोर से रोने लगती है और उसे रोता हुआ देखकर बुलबुल को उस पर दया आ जाती है और वो अपने पास से उसे सारी दवाइयाँ दे देती है और वो भी मुफ्त में। मैडम जी, आप नहीं जानती कि आपने मेरी कितनी मदद की है, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? अरे आप इतना मत सोचो। अच्छा ये बताओ, आपके घर का खर्चा कैसे चलता है? आप अपने बच्चों को स्कूल भेजती हो या फिर नहीं? कहाँ से मैडम जी, पेट भरकर भोजन तो खिला नहीं पाती, तो स्कूल कहाँ से भेजूंगी? और मैंने आपको बताया तो था कि मेरा पति शराब पीता है और वो तो उल्टा मेरे पैसे भी शराब में उड़ा देता है। अच्छा वैसे तुम क्या काम करती हो? मैं कड़ी चावल का ठेला लगाती हूँ, लेकिन आज तो करम जले ने वो भी तोड़ फोड़ दिया और सब फैला दिया। अब तो कल के लिए मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा तुम चिंता मत करो, वैसे तुम कड़ी चावल अच्छे तो बनाती हो ना, क्यों ना तुम मेरे हॉस्पिटल के बाहर ही अपने कड़ी चावल का ठेला लगाना शुरू कर दो। ऐसे मेरे यहाँ आने वाले डॉक्टर पच्ची भी तुमसे खरीद लिया करेंगे और तुम्हारा काम भी अच्छा चलता रहेगा। हाँ ये तो आप सही कह रही हैं मैडम जी, ऐसे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा तब होगा जब तुम अपने दोनों बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजोगी। पक्का मैडम जी, तो फिर तो मैं कल ही अपने दोनों बच्चों का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दूंगी। फिर उसके बाद रानू चिड़िया हॉस्पिटल के बाहर अपने कड़ी चावल का ठेला लगाने लगती है और वो अपने दोनों बच्चों का दाखिला भी एक अच्छे स्कूल में करवा देती है। ऐसे में एक दिन कालू कोबा रानू का पति दोनों शराब पी रहे थे, तभी ज्यादा नशे में होने की वजह से रानू का पति वहीं गिर जाता है। तब कालू उसके सारे पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद जब रानू के पति का नशा उतर जाता है तब उसे सब कुछ याद आता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तब वो अपनी पत्नी के पास आता है और फिर वो रानू से माफी मांगता है और रानू उसे माफ कर देती है। फिर उसके बाद रानू का पति खुद जाकर कड़ी चावल बेचने लगता है। अरे आकाश, क्या आज रानू नहीं आई? चलो अब ये सब छोड़ो, पहले आप मुझे दो प्लेट कड़ी चावल दे देना। अरे भाई जरा मुझे भी चार प्लेट पैक करके दे देना। इस तरह आकाश के आते उसके सारे कड़ी चावल बिक जाते हैं और उसकी अच्छी कमाई भी हो जाती है। दोपहर के समय गुड़िया चिड़िया अपने पापा के लिए खाना लेकर आती है। पिताजी मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, आप खाना खा लीजिए, तब तक मैं कड़ी चावल बेच देती हूँ। ठीक है बेटी, तू कड़ी चावल बेच ले, लेकिन जरा ध्यान से बेचना, सभी को अच्छे से देना। फिर गुड़िया कड़ी चावल बेचने लगती है और आकाश चिड़ा भोजन करने लगता है। भोजन खाने के बाद वो कहता है, ये ले बेटी मैंने भोजन कर लिया है, अब तू घर जा। लेकिन पापा आपने मेरा इनाम तो दिया ही नहीं। ये ले तेरा इनाम, मैं तो भूल ही गया था। फिर आकाश चिड़ा अपनी बेटी को कुछ पैसे देता है, उन्हें लेकर वो खुशी खुशी अपने घर आती है। तू आ गई गुड़िया, चल ले, मैं तुम दोनों को भी भोजन परोस देती हूँ, तुम भी खा लेना। इसी तरह उनके हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे। एक दिन गुड़िया अपने पापा के लिए भोजन लेकर जाने वाली थी कि तभी वहाँ लूसी कबूतरी आ जाती है। अरे बिटिया तेरी माँ कहाँ है, जल्दी से अपनी माँ को लेकर अस्पताल चल।
तेरे पापा के ऊपर गरम गरम कड़ी गिर गई है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा जल गए हैं और जंगल के कुछ पक्षियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया है। फिर गुड़िया और रानू चिड़िया लूसी कबूतरी के साथ जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचती हैं। डॉक्टर, ये लो मेरी गुल्लक, इसमें से सारे पैसे ले लो, लेकिन मेरे पिताजी को ठीक कर दो। घर के सारे पैसे आकाश के इलाज में खर्च हो जाते हैं और दो दिन बाद उसे होश आता है। तब रानू चिड़िया उससे मिलने आती है। ये सब कैसे हो गया जी, आप देखकर काम क्यों नहीं करते? पता नहीं रानू, ये सब कैसे हो गया, आज तक तो मैं ऐसे कभी भी नहीं जला था। ज्यादा मत बोलो जी, क्योंकि डॉक्टर ने आपको कुछ दिनों तक आराम करने के लिए कहा है। लेकिन रानू, घर का खर्चा कैसे चलेगा, अभी तो कड़ी चावल की दुकान भी बंद है। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कड़ी चावल बेच लूँगी, मुझे कड़ी चावल बेचना आता है, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। ठीक है गुड़िया, अब से तू भी मेरे साथ कड़ी चावल बिकवाने में मदद कर दिया करना। फिर उसके बाद गुड़िया अपनी माँ के साथ कड़ी चावल बिकवाने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसके पास एक पक्षी आता है। क्या आकाश चिड़े की कड़ी चावल की दुकान यही है क्या? हाँ यही है जी, कहिए क्या बात है? वो क्या है ना, मेरे सेठ जी को कुछ कड़ी चावल बनवाने हैं, क्योंकि उनके पोते का जन्मदिन है और वो हर बार आकाश चिड़े से ही कड़ी चावल बनवाते हैं। हाँ बन जाएंगे भैया, वो क्या है ना, आजकल मेरे पिता की तबीयत थोड़ी खराब है, तो हम दोनों माँ बेटी ही कड़ी चावल बेच रहे हैं। आप मुझे उन सेठ का पता दे दीजिए, मैं उनके घर पहुँचा दूंगी। फिर वो पच्ची उन्हें 2000 रुपए और वहाँ का पता देकर चला जाता है। ये सब देखकर वो दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और कड़ी चावल बनाने में जुट जाती हैं। कुछ ही देर में वो कड़ी चावल बनाकर तैयार कर देती हैं और फिर गुड़िया चिड़िया उन्हें उस पते पर पहुँचा देती है। सेठ जी वो कड़ी चावल लेने के बाद उसे बाकी के पैसे दे देता है, जिन्हें लेकर गुड़िया चिड़िया खुशी खुशी अपने घर आती है और घर आकर वो पैसे वो अपने पिता को देते हुए कहती है, पिताजी ये लीजिए 5000 रुपए, आज मैंने और माँ ने एक सेठ जी के लिए ढेर सारे कड़ी चावल बनाए थे, उन्हीं के ये पैसे हैं। एक साथ इतने सारे पैसे देखकर उसका पिता बहुत खुश होता है। गुड़िया बेटी, ये सब कुछ तेरी और तेरी माँ की मेहनत का नतीजा है, नहीं तो आज हम लोग बर्बाद हो गए होते। फिर कुछ दिनों बाद आकाश चिड़ा ठीक हो जाता है और फिर वो फिर से कड़ी चावल बेचने लगता है। अब तो रानू चिड़िया भी उसके साथ कड़ी चावल बिकवाने लगती है। इस तरह वो सभी कड़ी चावल बेचकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरे लोगों की अच्छी बातें मान लेनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि पहाड़ से तेज बारिश में पत्थर किसके ऊपर गिरा था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना, ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।